जयकारा सेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। सो भाई अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं अपनी यात्रा के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं अपना RFID कार्ड बनवाते हैं। असल में हमने RFID कार्ड कल भी बनवाया था, वो तो जैसा कि मैंने बताया था वो 6 घंटे के लिए सिर्फ वैलिड होता है और हमें दर्शन नेक्स्ट डे करने थे। तो अब चल रहे हैं, सबसे पहले RFID कार्ड बनवाते हैं और दिखाता हूँ जो RFID कार्ड है वो कहाँ से मिलता है। उसके लिए आपको बस चाहिए एक आधार कार्ड, वहाँ पर आपको आधार कार्ड दिखाना है और आधार कार्ड जैसे आप दिखाओगे तो वहाँ पर आपकी एक फ़ोटो क्लिक होगी और आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। तो चलते हैं दिखाते हैं जो RFID कार्ड है वो कहाँ बनता है। बिल्कुल नियरेस्ट बस स्टैंड है, जैसे ही आप बस स्टैंड आप देखोगे पीछे मेरा पूरा बस स्टैंड है। तो जैसे आप बस स्टैंड में एंटर करते हैं ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे ये यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। तो चलते हैं आपको दिखाता हूँ RFID कार्ड कहाँ से लेते हैं। ये अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर और बाकी आपको सामने बोर्ड दिखेगा, वहाँ पे भी टाइमिंग लिखी हुई है, जैसा कि इसकी ओपनिंग टाइमिंग 5 बजे है और क्लोजिंग जो है वो 10 बजे है। और ये है पूरा बस स्टैंड, तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे है। तो चलते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और फिर करते हैं अपनी यात्रा को स्टार्ट। जय माता दी। चलो भाई करते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। ये रहा अपना RFID कार्ड, अब इसे थ्रू आउट द जर्नी पहन के रखना है, इसको कहीं भी नहीं उतारना। और जहाँ भी ये जितने भी चेक पोस्ट आएंगे, जैसे सबसे पहले एक बाणगंगा में आता है तो वहाँ पे ये चेक होगा, और जैसे कि हम अपने रोप वे या हेलीपैड की भी जो बुकिंग करते हैं तो वहाँ पे भी ये मैंडेटरी है। तो सबसे स्टार्टिंग में जब भी आप जर्नी स्टार्ट करो तो भाई RFID कार्ड ज़रूर बनवा लेना। अब करते हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट। जय माता दी। तो ये है भाई कटरा का मेन चौक, जैसे फुवारा चौक भी बोलते हैं, वैसे इसका नाम है बाबा हरिधर चौक। तो ये है पूरी यहाँ का मेन चौक है। ये सामने आप देखोगे ये बस स्टैंड है, स्टार्टिंग में ही आपको काउंटर मिल जाएगा जहाँ से आपका यात्रा रजिस्ट्रेशन होगा। और ये जो इसी के साइड से रास्ता जा रहा है, राइट साइड से ये जाता है रास्ता भवन की तरफ। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे जहाँ से आप, अगर आप बाणगंगा तक जाना चाहते हैं तो आप ऑटो करके जा सकते हैं, ठीक है। और सामने आप ये देखोगे ये है टैक्सी काउंटर, किसी भी तरह की कोई टैक्सी वगैरह बुकिंग करनी है कहीं के लिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी चलते हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। तो भाई भवन के रास्ते में ना आपको इस तरीके से ना, मतलब यहाँ पे साइड बाय साइड है ना खूब सारे होटल हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेशन से निकलते ही आपको वहाँ पे होटल लेना, वहाँ पे आपको लोग बोलेंगे, बट आप यहाँ पे ले सकते हो 800 से स्टार्ट होके कितने तक भी आप यहाँ पे ले सकते हो। बाकी इस तरीके से आपको ऑटो वगैरह बहुत मिलेंगे यहाँ पे, अगर आपको बाणगंगा तक जाना है तो आप जा सकते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँचते हैं जहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है, देखते हैं क्या रश मिलने वाला है। तो दोस्तों इस रास्ते से होते हुए हमें वहाँ तक जाना है, और सामने आपको दिख रहा होगा एक वाइट कलर का जो गेट है, वहाँ तक जाना है। ये लाइन आपको देखोगे, लाइन लग चुकी है। तो भाई अगर आप ऑटो करके आते हैं जो बाणगंगा तक जाता है तो आप देखोगे इस तरीके से आपको लाइन मिलने होती है। और ये अभी सुबह के 7 बजे हैं, जब ये है दोपहर में पता नहीं कितनी लंबी होती होगी। बाकी यहाँ साइड में श्रद्धालुओं के लिए भी पूरी लंबी लाइन लगी हुई है। तो चलते हैं इस लाइन से होके अपना करते हैं एंट्री, तो करते हैं अपनी चढ़ाई जो लगभग हमें पड़ने वाली है 12 किलोमीटर। जय माता दी। यहीं से एंट्री करनी है हमें फिस्किंग पॉइंट। फिस्किंग पॉइंट से एंट्री करते ही आपको इस तरीके से ये मिल जाएंगे बच्चों के लिए। पर्ची कटेगी? अच्छा पर्ची कटेगी, सिंगल फिक्स रेट होंगे ना ये? तो फिक्स रेट होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, रेंट बोर्ड की तरफ से फिक्स रेट। अच्छा तो भैया फिक्स रेट है 540 की पर्ची कटती है इसकी, जो अगर बच्चों के लिए ट्रोल लेनी है तो हम वो भी ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक न्यू ट्रैक बना है जो ताराकोट मार्ग है जो अर्धकुआरी तक जाता है, तो ये है नया रास्ता जो अर्धकुआरी तक जाता है। बाकी यहाँ पे गुलशन जी का लंगर अगर खाना है, जो यहाँ पे फ्री ढाबा है, तो गुलशन जी का लंगर यहीं से स्टार्ट होता है, ये रास्ता है। और यहीं से आपका जो ताराकोट का रास्ता है वो यहीं से जाता है जो न्यू ट्रैक बना हुआ है। तो भाई ये है गुलशन जी का ढाबा, यहाँ से लाइन लगती है। अगर आप इनके उस मॉर्निंग में आप 10 बजे से पहले आ जाते हैं तो आपको उस मॉर्निंग में आपको यहाँ से टी वगैरह मिल जाती है, जिसके साथ आपको मिलती है एक मट्ठी भी। बाकी जो ये लंगर है ये सुबह 10 बजे स्टार्ट होता है, जो रात के 10 बजे तक चलता है। अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं पुराने मार्ग से ही। बाकी आपको यहाँ पर इस तरीके से घोड़े भी मिल जाएंगे। बाकी अगर बात करें इनकी प्राइस की तो यहाँ पर ये लिस्ट लगी हुई है पूरी।
भाई ये पूरी प्राइस लिस्ट है, आपको जहाँ से जहाँ तक लेना है तो आपको ये प्राइस मिलने वाला है। सर आपको कुछ भी बुकिंग करनी है पाल की पिट्ठू की तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे चल के आपको ये काउंटर मिलने वाला है, तो आप यहाँ से बुकिंग करा सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे भी प्राइस दिखाता हूँ जो प्राइस लगेगा। तो भाई ये है पूरी प्राइस लिस्ट जो फिक्स प्राइस है, यानी ये अपना कोई रेट नहीं बोल सकते, जो फिक्स है साइन बोर्ड की तरफ से वही रेट लगेगा। बाकी वहाँ पे आपको सर्विस चार्ज दिख रहा होगा इंक्लूडिंग है 80% GST के साथ। तो ये आपको कुछ तरीके से काउंटर मिलने वाला है जहाँ से आप बुकिंग करा सकते हैं। तो भाई ऑन द वे आपको इस तरीके से बहुत सारे स्टूडियो मिलने वाले हैं फोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए। बाकी शॉप्स हैं जगह जगह पे, आपको डंडा लेना है या फिर चुन्नी वगैरह लेनी है, माता जी की प्रसाद लेना है, तो आपको ऑन द वे वो सब मिलता जाएगा। भाई जैसे ही आप कुछ देर चलते हो 10 मिनट का वॉकिंग करके तुलसी भोजनालय दिखेगा, इसी के साइड से रास्ता जा रहा है बाणगंगा के लिए। और आप यहाँ पे नीचे देखोगे बाणगंगा, अब नहा के हम ऑलरेडी निकले हुए हैं तो छीटा लगाते हैं अपना और चलते हैं, फिर अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। तो ये साइड से ही आपको रास्ता दिखेगा, तो चलते हैं बाणगंगा। बाणगंगा में फिलहाल अभी पानी नहीं है। तो भाई पीछे आप मेरे देख सकते हैं बाणगंगा, और बाणगंगा में फिलहाल पानी का जो बहाव है वो भी कम है, मतलब ये समझ लो कि अभी नहाने तक का भी पानी नहीं है, कुछ इतना ही पानी है। बाकी भाई यहाँ पे अगर आप आते हैं बाणगंगा में स्नान वगैरह करते हैं और आप सामान जो आपको लगता है कि थ्रू आउट द जर्नी आपको नीड नहीं पड़ने वाले, तो यहाँ पर आपको लॉक रूम भी मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर अपना सामान जमा कर सकते हैं, ये 24/7 चलता है। बाणगंगा में ही आपको सबसे पहले दर्शन होते हैं, प्राचीन मंदिर है जो सबसे पहला दर्शन है बालगंगा का। तो चलते हैं अब अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर यहाँ पे बाणगंगा में लोक रूम लेते हैं तो उसका 40-50 रुपए ही चार्ज करते हैं, और आप बैग जमा कर सकते हैं। जय माता दी। तो जर्नी भाई आपको इस तरह के नज़ारे मिलते रहेंगे ऑन द वे। तो भाई यहाँ पे है आपका बाथिंग घाट, यहाँ पर आप स्नान वगैरह कर सकते हैं। बाकी भाई यहाँ पे कुछ आवश्यक सूचना है तो ये ज़रूर पढ़ लेना एक बार। ये वही रास्ता है जो बाणगंगा, ये वही नदी है जो बाणगंगा वाली है ना, ये वही है, तो ये पानी वहीं जा रहा है। बाकी यहाँ पर बहाव थोड़ा देखने को मिलता है, यहाँ पर पानी भी है। चाले वगैरह भी बने हुए हैं। तो सबसे पहले भाई दर्शन होंगे चरण पादुका के। तो भाई यहाँ पर होंगे हमारे प्रथम दर्शन श्री माता वैष्णो देवी जी के, जिसे बोलते हैं चरण पादुका। तो सबसे पहले भाई थ्रू आउट द जर्नी हमें सबसे पहले यहाँ पे दर्शन होते हैं श्री माता वैष्णो देवी जी के चरणों के, और माथा टेकने से कहते हैं कि यहाँ पे माँ शक्ति जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो भाई दर्शन हुए हैं अपने चरण पादुका के, और अब अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। भाई यहाँ से आता है अपना सीढ़ियों का रास्ता। तो यहाँ पे जैसे दिखा रहा है टोटल 360 सीढ़ियाँ। अगर जिन्हें भाई सीढ़ियों से ट्रैवल करना है तो वही वो यहाँ से भी कर सकते हैं, बट जो हृदय रोगी पेशेंट है तो भाई वो ये कृपया ना करें। बाकी चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। रास्ते में आपको पड़ेगा इंद्रप्रस्थ का भोजनालय, और ये इसकी कुछ प्राइस लिस्ट है। अगर आपको थ्रू आउट द जर्नी बीच में आपको कुछ खाना पीना है तो आप खा सकते हो, ये प्राइस लिस्ट है, और ये है भोजनालय। बाहर से आप काउंटर है, यहाँ से आपको पर्ची लेनी है और अंदर जाके आप फिर खाना खा सकते हैं। तो भाई यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लगा हुआ है कि जैसे कोई भी घोड़े पिट्ठू पालकी वाला अगर आपसे ज़्यादा पैसे लेता है तो आप इन नंबरों पे शिकायत कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे ना दो मार्ग मिलेंगे, पहला है हिमकोटे मार्ग जिसका 5.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ने वाला है, और एक है हाथे मत्थे वाला मार्ग जो 6.5 किलोमीटर का है। बट अगर आप अधुकुआरी जाना चाहते हैं तो आपको ये 6.5 किलोमीटर वाला रास्ता ही पकड़ना पड़ेगा। बट ये है कि हिमकोटे के लिए आप आगे से आपको एक गुफा दिखेगी जहाँ से आप इस मार्ग में वापस आ सकते हैं। तो चलते हैं अर्धकुआरी की तरफ।
तो भाई अगर आप भी चाहते हैं बैटरी कार लेना अर्धकुंवारी से भवन के लिए, तो आप हिमकोटी मार्ग पे जाके स्टार्टिंग में आपको काउंटर दिख जाएगा जहाँ पे आप 354 रुपये की पर्ची कटा के भवन तक जा सकते हैं बैटरी कार से। यह है रेट लिस्ट, अगर आप अर्धकुंवारी से भवन जाना चाहते हैं तो रेट ऑफ पोनी के हैं 650 रुपये, बाणगंगा के 650, पिट्ठू लेने पाल की तो जो भी रेट लिस्ट है भाई वो ये लगी हुई है। बट अगर आप भाई हिमकोटी वाला मार्ग अपनाते हैं पैदल यात्रा के लिए तो आप फिर अर्धकुंवारी पर नहीं जा पाएंगे। तो अगर आपको अर्धकुंवारी पे जाना है तो जो 6.5 किलोमीटर वाला डिस्टेंस है हाथी मत्थे वाला, आपको वही रास्ता आपको सिलेक्ट करना है, मतलब जाने के लिए आपको उसी रास्ते से आना होगा अगर आप अर्धकुंवारी जाना चाहते हैं तो। अर्धकुंवारी के रास्ते पे ही आता है अपना पहला चेक पोस्ट अगर हम आते हैं हाथी मत्थे वाली चढ़ाई से, तो चलते हैं अंदर से। सो भाई पहुँच चुके हैं फाइनली अर्धकुंवारी, और ये आप देखोगे यहाँ पे सारी खाने पीने की व्यवस्था है अच्छी से अच्छी है। बाकी यहाँ पे एक श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का भी भोजनालय है जहाँ पे आप रिजनेबल प्राइस पे खाना वगैरह खा सकते हैं। और बाकी यहाँ पे आप देखोगे गर्दून की पर्ची जो है वो यहीं से मिलती है, ठीक है। अगर आपको कंबल पर्ची भी लेनी तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी यहीं आप ब्लैंकेट की सिक्योरिटी जमा करते हैं 100 रुपीज़ जो बाद में रिफंड देने वाला है। और यहाँ पे 8 बजे से ही ब्लैंकेट दिया जाता है यानी इशू किया जाता है। बाकी यहाँ से मिलेगी गर्दून की पर्ची। तो भाई इस तरीके से गर्दून की पर्ची मिलती है, और ये आप जो नज़ारा देख रहे हो ये अर्धकुंवारी से है। सामने आप देखोगे ऊंचे ऊंचे पहाड़, और बाकी यहाँ पे ये भगवती भवन है जहाँ पे आप डोरमेट्री पर रूम वगैरह ले सकते हो। अगर इसकी अगर आप भी लेना चाहते हो तो आपको 2-3 महीने पहले ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से। बाकी यहाँ पे एक ये इंक्वायरी काउंटर है, अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पे लोकल रूम है, और बाकी हमने अपनी गर्दून की पर्ची कटवा ली है तो देखते हैं आते वक्त नंबर आ पाता है। अभी फिलहाल जो नंबर चल रहा है 575 है, और जो अपना नंबर मिला है वो है 652, तो देखते हैं आते वक्त मिल पाता है नहीं। बाकी चलते हैं, ये अपना जो रास्ता है वे टू भवन का ये है हिमकोटी मार्ग, तो आज इसी रास्ते से जाने वाले हैं। अगर आप वहाँ से जाओगे तो वो साइड में आप देखोगे वो हाथी मत्थे वाला रास्ता है जो लगभग 6.5 किलोमीटर का पड़ता है, तो उस रास्ते से मैं पहले गया हूँ और आज आपको मैं दिखाता हूँ हिमकोटी मार्ग। तो चलते हैं और अपनी यात्रा को शुरू करते हैं हिमकोटी मार्ग से। जय माता दी। तो भाई ये है हिमकोटी मार्ग, अर्धकुंवारी से जाता है गुफा, छोटी सी गुफा, आगे ये रास्ता मिल जाएगा नॉर्मल हो ही जाएगा। भैया भाई हिमकोटी मार्ग से आज अगर बात करूं भाई इन दोनों रास्तों में ना डिफरेंस की, तो हाथी मत्थे वाला रास्ता है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें जो चढ़ाई है वो आपकी काफ़ी मतलब कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। अब देखते हैं हिमकोटी मार्ग कैसा है। जहां तक मैंने सुना है ये रास्ता थोड़ा इजी पड़ता है कंपेरिजन उसके। आज चलते हैं हिमकोटी मार्ग से और आपको पूरा रास्ता दिखाता हूँ हिमकोटी मार्ग का। अभी तक तो बड़ा साफ़ सुथरा और ईजी दिख रहा है मुझे, बाकी आप भी देखिए। हिमकोटी मार्ग में स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी दिख जाएगा। और भाई पहली बार मैं 3-4 बार विजिट कर चुका हूँ वैष्णो देवी में, बट मैंने आज तक इतनी मतलब इतना खाली नहीं देखा। शायद ये ठंड का टाइम है और लोग ठंड की वजह से यहाँ पे कम विजिट कर रहे हैं इस टाइम पे, इसलिए मैं शायद इतना रश मेरे को दिख नहीं रहा यहाँ पे। अदरवाइज़ मैं जितनी बार गया हूँ ना मुझे इतनी भीड़ मिली है यहाँ पे कि हद से ज़्यादा। बट मैं जब भी मैंने विजिट किया ना वो मेरा हमेशा रहा है समर सीज़न, मैं पहली बार विंटर सीज़न में यहाँ पे मैंने ट्रैवल किया है, और आप क्राउड देख लो बिल्कुल ना के बराबर है। और बात करूँ भाई हिमकोटी मार्ग की, तो रास्ता बहुत ही नीट एंड क्लीन बना हुआ है और बहुत ही इजी वे है। बाकी देखते हैं ये जो वे है जो नीचे की तरफ जा रहा है मतलब ये इजी कहाँ तक है, क्योंकि जब से अर्धकुंवारी से निकले हैं हमें इसी तरीके से ढलान मिली है। बाकी आप साइड में देखोगे ये पूरा नज़ारा। जितने भी आप ये बैटरी कार देख रहे हो ना ये सारे आपको दिखने वाले हैं हिमकोटी मार्ग पे। बाकी इस रास्ते से ना आपको घोड़े वगैरह नहीं दिखेंगे, तो आप पैदल यात्रियों के लिए ना ये मार्ग मेरे हिसाब से बहुत सही है। अगर अर्धकुंवारी से अगर आप भी आना चाहें तो आ सकते हैं, क्योंकि हाथी मत्थे वाला जो रास्ता है उस पर घोड़े वगैरह भी चलते हैं, और ये रास्ता सिर्फ बैटरी कार वालों के लिए या फिर पैदल यात्रियों के लिए। जय माता दी।
भाई ये है पहला भोजनालय। अगर हम हिमकोटे मार्ग से आते हैं तो ये हमारा पहला भोजनालय पड़ता है। ये यहाँ पे पूरी प्राइस लिस्ट है, बाहर काउंटर है और आप यहाँ से पर्ची कटवा के आपको जो भी लेना है आप अंदर बैठ के खा सकते हैं। ये लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर चलने के बाद पहला भोजनालय है हिमकोटी मार्ग पर। पहली चेक पोस्ट जहाँ पर चेकिंग वगैरह होगी और फिर निकलेंगे अपना मंदिर के दर्शन के लिए। 2.75 किलोमीटर और है। तो भाई लगभग अभी अपना 1 से 1.5 किलोमीटर और रहता है माता रानी का भवन। और भाई यात्रा के दौरान है ना एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि भाई ये यात्रा कर रहे हैं ना आप, तो भाई कोशिश करना जितना हो सके आप कम से कम वेट कैरी करके ले जाएं, क्योंकि वज़न जितना कम आप लेके चलोगे ना तो आपकी यात्रा आसान होगी। जैसे कुछ लोग पानी की बोतल ले लेते हैं ये सोच के पानी नहीं मिलेगा, बट बता दूँ जगह जगह पे ना हर कुछ दूरी पे आपको पानी की सुविधा मिल जाती है और वॉशरूम वगैरह भी हैं हर जगह, खाने पीने की भी अरेंजमेंट बहुत अच्छी है। तो बस कोशिश ये करना कि भाई जितना वेट कम होगा तो आपकी यात्रा उतनी आसान हो जाएगी, क्योंकि चढ़ाई है और लगभग 12 से किलोमीटर का सफ़र हमें तय करके जाना है माता रानी के भवन तक। जय माता दी। भाई सामने माता रानी जी का भवन है, चलते हैं, लगभग पहुंच चुके हैं। और जैसे ही हम माता रानी जी के भवन पे पहुंचते हैं तो भाई सामने यहाँ पे एक चेक पोस्ट और आती है जो भवन के लिए है। बाकी आप जैसे चेक पोस्ट क्रॉस करते हो आपको निकलते ही आपको मिलेगा पार्वती भवन, यहाँ पे आप लॉकर वगैरह ले सकते हैं, वॉशरूम यूज़ करना है या फिर आपको रूम वगैरह लेने हैं तो आप ले सकते हैं। ये पूरी बिल्डिंग है पार्वती भवन की और यहीं पे आपको मिलेगी भेंट शॉप जहाँ से आपको प्रसाद वगैरह लेना आप ले सकते हैं। ये प्राइस लिस्ट है, विद नारियल लेते हैं तो 100 रुपीज़ है और विदाउट नारियल आपके 50 रुपीज़। बाकी भाई डोर मैट्री वगैरह लेना है तो यहाँ पे मनोकामना भवन है भोजनालय और डोर मैट्री के लिए, और ये यहाँ पे प्री काउंटर है। अगर टिकट वगैरह बुकिंग करनी है ऑफलाइन तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो भाई ये स्काई वॉक, ये जो प्राचीन गुफा है ये सिर्फ उस टाइम ही खोली जाती है जब क्राउड कम होता है, तो इस टाइम ये खुली हुई है। और ये स्काई वॉक है जहाँ से हमें होके जाना है प्राचीन गुफा से होते हुए माता रानी जी के दर्शन के लिए। तो भाई चलते हैं स्काई वॉक में। यहाँ पे फोन वगैरह अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है, सब कुछ हमें बाहर रख के जाना है। तो यहीं पे अपना रख के लोकर वगैरह में जमा करके और फिर चलते हैं माता रानी जी के दर्शन और करते हैं प्राचीन गुफा से। ये सिर्फ ठंड में ही खुलते हैं क्योंकि ठंड में क्राउड कम होता है। तो भाई अपने भैरवनाथ की टिकट है रोप वे से, तो चलते हैं आज आपको दर्शन कराते हैं रोप वे से चलते हैं। इसकी जो टिकट है वो सिर्फ 100 रुपीज़ की है, इसमें आना और जाना दोनों इंक्लूडेड है। बाकी अभी फिलहाल लाइन लगी हुई है। भाई फाइनली चलते हैं अपना रोप वे पे। मैं कहाँ तो जाऊँगा भाई। पहुंच चुके हैं फाइनली भैरव मंदिर। भाई जैसे वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए भेंट शॉप थी तो यहाँ पर भी प्रसाद के लिए भेंट प्रसाद के लिए यहाँ पे लगी हुई है लाइन। तो ये काउंटर बना हुआ है जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, 50 रुपये का प्रसाद है। सो भाई आप अब जो ये नज़ारा देख रहे हो ये है भैरव जी का, यानी आप जब भी वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए आते हैं तो भाई जो 2 से 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ के आपको भैरव जी के भी दर्शन करने अनिवार्य हैं। तो इसलिए भाई जब भी आए भैरव जी के दर्शन जरूर करने आए। बाकी आप यहाँ से व्यू देखोगे आपको एक शानदार व्यू दिखने वाला है। ये देखो इधर करो बस। सो भाई फाइनली भैरव जी के भी दर्शन कंप्लीट हुए और अब उतरते हैं नीचे और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। जय माता दी।